ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि जीवामि त्वया विना इति विज्ञैराधे त्वं नैमां चिन्तिके हम लोग श्री सनातन धर्म के आंतरिक विचारों को वैदिक विचारों को वैदिक तत्व ज्ञान को हम लोग बतला रहे हैं। गीता में ऐसा लिखा है कि धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् प्रणीतरणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि। इसका गुण क्या तात्पर्य है? साधारण लोग कहते हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, जब जब युग युग में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो असुरों को ध्वंस करके संतों की रक्षा करने के लिए भगवान युग युग में अवतरित होते हैं, युग युग में आते हैं। क्या तात्पर्य है इसका? कृष्ण किस लिए आए? उन्होंने क्या किया? अब यहां पर है, जदा जदाशी धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म की बढ़ती होती है और धर्म की ग्लानि होती है, धर्म जब ढक जाता है, असुर और अभिमानी बढ़ जाते हैं और धर्म को के विपरीत काम करने लगते हैं, उस समय इन असुरों को ध्वंस करके भक्तों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं और धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। ये तो सीधी सी बात है, किंतु वह कौन सा धर्म है जिसकी रक्षा के लिए आते हैं और किस धर्म की स्थापना करते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा आज विचार करेंगे। और कैसे कृष्ण ने या रामचंद्र जी ने, भगवान अवतारों ने ऐसा किया, थोड़ा स्पष्ट गहराई से विचार करेंगे। आप लोग को ध्यान से सुनेंगे और अंदर में विचार करें। यहां पर उन्होंने कहा धर्म की स्थापना के लिए कौन सा धर्म, इस पर विचार करें। गीता में वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान, सब धर्मों को छोड़कर, सब धर्मों को छोड़कर, सर्वधर्मान परित्यज्य छोड़कर, मामेकं
केवल मेरी मात्र एक अंगुली से कह रहे हैं कृष्ण, माम एकम, मेरी जो शरण ग्रहण करता है, शरणम ग्रहण, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको सब पापों से छुटकारा दे दूंगा, मास्टर सुख। तो यहाँ तो कह रहे हैं सर्व धर्मों को छोड़ दो, और इधर कह रहे हैं कि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आए। तो भाई वो सब किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आते हैं, सब धर्मों की स्थापना के लिए नहीं आते हैं। इस चीज को समझो, सामंजस्य करना पड़ेगा, कौन से धर्मों को यहाँ पर छोड़ देने के लिए कहते हैं और कौन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आते हैं, कौन धर्म की रक्षा करते हैं। देयर आर टू थिंग्स ही इज टेलिंग दैट आई हैव कम टू दिस टू एस्टैब्लिश धर्म, एंड इन गीता ही टेलिंग दैट सर्वधर्मानुप्रत्यज्य। तो वो किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आए, ये विचार हम लोग करेंगे। यहां पर और भी एक ही जगह नहीं, बहुत सी जगहों में ऐसा कहा गया है। कहा गया है आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दिष्टान सकाम अपि धर्मान संतज्य जह माम भजेत सच। जो हमने वेद में उपनिषदों में जिसको हमने गुण और दोष बतला करके शिक्षा दी, ये देखो ऐसा मत करो ऐसा करो, माता पिता का आदर करो, गुरुजनों का आदर करो, अपने धर्म में प्रतिष्ठित रहो, अतिथि देवो भवो, अतिथि देवो भवो, और पितृ देवो भव, पितृ का माता पिता का सम्मान करो, गुरुजनों का सम्मान करो। ये सब बहुत से हमने गुण और दोष देख करके, किसी का दो गुण देख करके उसकी हमने उपदेश दिया, और दोष चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा प्राणियों का मत करो, तन से मन से वचन से प्राणियों की हिंसा मत करो, वर्णाश्रम धर्म का अच्छी तरह से पालन करो। वर्णाश्रम धर्म में ये सभी चीजें आ जाती, तो ये हमने जो धर्म और धर्म कहा है, धर्मान संतज्य, इन सब धर्मों को छोड़ करके मांग भजे, जो इन सब को वर्णाश्रम धर्म को और जो बतलाया ये सब को छोड़ करके, एक न एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा ये, तो यह सब छोड़ करके मांग भजे, जो मेरा भजन करते हैं वही उत्तम व्यक्ति। इसलिए अब हम विचार करते हैं संक्षेप में, जो धर्म में कौन सा धर्म को छोड़ कर करके कहा, शरीर के धर्म, मन का धर्म, ये हमारे पूर्व आश हमारे ऋषियों महर्षियों ने विचार करके वर्णाश्रम धर्म बनाया, वर्ण और आश, जिसे लोग सुख और शांति से रह सके। आजकल इसको नहीं समझ करके इसकी उपेक्षा करते हैं, आजकल वर्णाश्रम धर्म बहुत बिरले आदमी मानते हैं, वो गुण और कर्म के ऊपर में निर्भर है, जाति से नहीं। आज हमारा दूसरा विषय है, इसलिए इसको हम दूसरे तरफ में चल रहे हैं, ये कभी पीछे बतलाएं। ब्राह्मण का गुण नहीं है और पिता के पुत्र हो गए वही ब्राह्मण है, ऐसा नहीं, गुण और कर्म और स्वभाव से ये सब चीजें पहले भी होता था। एक ही पिता के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन प्रकार के पुत्र हुए हैं। विश्वामित्र जी क्षत्रिय में थे, वो ब्राह्मण कहलाए पीछे से, इस तरह से बहुत से ये सब चीजें हैं। तो वर्णाश्रम धर्म और सांसारिक जितने प्रकार के धर्म हैं, इन सब ये शरीर और मन संबंधी है, मृत्यु के बाद में ये छोड़ देना पड़ेगा, छूट जाएगा। इसलिए ऐसे धर्मों को छोड़ करके माम एकम, माम माने मैं कौन, मैं कौन हूं, मत्तः परतरम न किंचित अस्ति धनंजय, हमसे बढ़कर के और कोई बड़ा तत्व नहीं है, समस्त वेदों का मैं प्रतिपाद्य हूं, कृष्ण अपने को दिखला करके कह रहे हैं, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, हमसे कोई बढ़कर के परतत्व नहीं है,
इसलिए भागवत में भी बतलाया गया एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान, ये कृष्ण ही स्वयं भगवान है और किसी को नहीं कहा गया। इसलिए माम एकम माने जो कृष्ण है उनके शरण में जाओ, केवल ये एक धर्म है। सर्वधर्मान माने छोड़ करके माने क्या है, संसारिक जितने वर्णाश्रम धर्म इत्यादि जितने देह और दैहिक इस शरीर से संबंधित है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भैया हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा देश है, ये मेरा घर है, ये मेरा पशु है, हमारा कुत्ता है, हमारी गैया है, ये जितने जो संबंध हैं भाई, ये शरीर संबंधी हैं, आत्मा संबंधी नहीं है, आज न कल ये बदल जाएंगे, इसलिए इसमें अधिक मशगूल मत रहो, हमारे शरण में आओ, यही परम धर्म है, इससे बढ़कर के और नहीं पड़ते। जितने भी जीव मात्र हैं भगवान के सब सेवक हैं, जितने भी जीव हैं सब भगवान के जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। कोई भी शूद्र हो, चमार हो, मोची हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी संसार में फीजी वाले हो, सभी भगवान के दास हैं। इस चीज को यहां तक कि पेड़ पौधे पशु सभी भगवान के दास हैं, और दास होने के नाते भगवान के प्रति जो प्रीति मूलक जो सेवा है यही जीव मात्र का परम धर्म है। जब तक भगवान का शरणागत नहीं होगा तब तक इस धर्म में प्रतिष्ठित नहीं होगा। भगवान इसी कृष्ण ने इसी धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए जगत में आए, इसलिए कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। यदि तुमने माता पिता को छोड़ दिया है तो सुखदेव गोस्वामी ने अपने माता पिता को छोड़ दिया तो उनको पाप लगा, क्योंकि जगत के आराध्य जो है उनकी सेवा में जा रहे हैं, यह धर्म अनित्य है, तो भी ये सनातन धर्म में इसको उसका अंग मान करके माता पिता का जब तक कि हम संसार में हैं आदर करो, उपेक्षा मत करो, नहीं तो सनातन धर्म गड़बड़ हो जाए। किंतु यही सनातन धर्म नहीं है, ये पहला चरण है। दूसरा चरण में तब मैं जो भगवान जो जगत का रक्षक हूं, सभी हमारे पुत्र हैं, जितने हैं सब भगवान के पुत्र हैं, इसलिए हमारे परम पिता कौन है, हमारे पिता के पिता के पिता के पिता के पितामह के पितामह के पितामह के अंत में ब्रह्मा ब्रह्मा के भी पितामह कौन है, गर्भोदशाई उनके भी पिता कौन है, उनके भी पिता शंकरसन उनके पिता भी मूल शंकरसन उनके पिता भी ये कृष्ण है नंदनंदन, इसलिए ये परम पिता है। इसलिए यदि साधारण माता पिता को शरीर को जिसको समझते हैं छोड़ करके मूल पिता जो भगवान है उनकी सेवा यदि कर रहे हैं यही परम धर्म है, इसी की प्रतिष्ठा करने के लिए वो कृष्ण आए। तो कहते हैं कि यदि इसके करने से माता पिता को छोड़ दिया, मैया को छोड़ करके सुखदेव गोस्वामी बचपन में चले गए, हमारे नारद जी सब छोड़ करके चले गए, प्रचेता लोगों को नारद जी ने सब माता पिता छुड़ा दिया वो भगवान का भजन कर, अभी चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन पहले क्या किया, माता पिता वृद्ध को सब छोड़ करके अपनी अभी विवाहिता नवविवाहिता स्त्री को भी छोड़ करके चले गए भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए भागवत में और शास्त्र में लिखा है जो लोग भगवान का भजन करते हैं वो लोग देवताओं के ऋणी नहीं है, किसी भी मनुष्य के ऋणी नहीं है, माता पिता पितृ के ऋणी नहीं है, जो लोग संपूर्ण रूप से सब छोड़ करके भगवान का भजन, उनका सब पाप यदि लग गया, कुछ पाप तो लगेगा, माता पिता को छोड़ करके चले गए, माता पिता ने सोचा जैसे ये बड़ा हो जाएगा हम वृद्ध हो जाएंगे तो पालन पोषण करेगा, हमारा ये पिंड देगा श्राद्ध करेगा, और वो छोड़ करके चला गया पाप लगेगा। कृष्ण क्या कहते हैं, मां सुचह शोक मत, माने क्या, जो लौकिक स्वधर्म परधर्म ये सबको छोड़ करके मेरे शरणागत हो जाते हैं जो व्यक्ति,
जैसे सुखदेव गोस्वामी हो गए, नारद गोस्वामी हो गए, लाखों ऐसे हो गए। ये लोग संसार में सुख पूर्वक रहे और उनके सारे पापों को दूर करने का भार मैं ले लेता हूं, मैं ले लिया। यदि कोई पाप भी लगा तो मैं ले लिया भार ऊपर, और संसार से उद्धार करने का भार भी उनका किसने ले लिया, मैंने ले लिया है। और मैं कैसे उनको प्राप्त होऊंगा, बुद्धि योगम ददामि तत्, मैं उनको बुद्धि योग देता हूं कि कैसे हमको वो प्राप्त हो करके हमारी प्रेममयी सेवा पा करके संसार से उद्धार लाभ करके भगवान के चरणों में नित्यकाल सेवा करेंगे। ये भी दायित्व हमारे ऊपर में है जो कि ऐसा छोड़ करके चले जाते हैं। और तो क्या, मैं यह प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं, मां सुचा, मैं प्रतिज्ञा कर, और क्या, अरे ये जीवन निर्वाह कराने का भी भार मेरे ऊपर में छोड़ दो, वो मैं कराता हूं, अपने सिर पर ढो करके ले जाता हूं। अनंत चिंतयंतो मन जनवा जी पर जुपासते ईशाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम। जो सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन में लग जाते हैं, उनको याद नहीं रहती जब खाने पीने के लिए कुछ करें, तो भगवान अपने सिर पर कंधों पर वो सब ढो करके उस भक्त की रक्षा करते हैं। कितना बड़ा आश्वासन है, सोने के थाल में ये मोती जैसा चिंतामणि परोस रहे हैं कृष्ण, और जो मूर्ख गधे हैं इस पर विश्वास नहीं। लाखों इसके उदाहरण हैं, इसलिए इस चीज को ठीक रखें। जो ऐसा भजन करेगा उसका सबका भार कहते हैं कृष्ण जी मेरे ऊपर में है, मैं इसके लिए दायी हूं, वो संसार में भी सुखी रहेगा और परलोक में भी सुखी रहेगा और हमारी सेवा को पालेगा। मैं ऐसा उपाय करूंगा, उसके अंदर में प्रेरणा दूंगा जो भगवान के पास। और जो अपने बुद्धि का कसरत करता है, मैं ये ठीक कर लूंगा, ऐसे करूंगा, अपनी बुद्धि से भगवान को पाऊंगा, लाखों कोटि जन्मों में नहीं पा सकता, नहीं पाएगा। जो भगवान का शरणागत होगा, नैमात्मा प्रवचनी न लभ्यो न मे धया बहुना, भाई अपने उपाय से कसरत से, दिमागी कसरत से नहीं होगा, फुल्ली उनके चरणों में आत्मसमर्पण, बस कहीं दूर नहीं है, घर में रहो, बाहर में रहो, जहां भी रहो। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा कहा गया, ये भक्ति और अंत में शतांग प्रसंगा मुंबई ज्ञानी प्रयास उद्पाश नमंत, ज्ञान का कसरत छोड़ो, भगवान का शरणागत होकर के अपने स्थान में रह करके भगवान का नाम लो, उनकी कथाओं का श्रवण करो, भक्तों का आदर करो, सत्संग करो। देखो जी मैं उसको सहज ही, पहले साधन भक्ति, भाव भक्ति, अंत में प्रेमा भक्ति। वो जो जगत में भगवान वशीभूत नहीं होते, वो मैं भी उनका वशीभूत हो जाता। इस धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए कृष्ण आए, और इसके जितने विरोधी हुए एकों को चून करके या तो अपने मारा या अपने भक्तों के द्वारा उनका ध्वंस किया, अर्जुन भीम इत्यादि के द्वारा उनका ध्वंस कराया। और इस सनातन धर्म ये है, इसका प्रेम भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा को सनातन धर्म कहते हैं। उसके साधन से आरंभ करके अंत तक प्रेम की प्राप्ति तक ये सभी सनातन धर्म के अंग हैं, और अंतिम है प्रेममयी सेवा। इस धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए ही कृष्ण जगत में आविर्भूत। जो लोग इसके विरुद्ध में खड़े हुए, जो लोग अधर्म का पालन कर रहे हैं, जैसे शंकर जी की भी उपासना कर रहे हैं, ब्रह्मा की उपासना कर रहे हैं, इंद्र की उपासना कर रहे हैं, और देवता देवियों की उपासना करते हैं, किंतु कृष्ण राम इत्यादि का विरोध करते हैं। कृष्ण ने क्या किया, राम ने क्या किया, उनको धार्मिक नहीं माना। जरासंध, कर्ण इत्यादि, ये लोग बड़े धार्मिक थे, माता पिता का आदर करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, बहुत दान देते थे। कर्ण मरते समय भी अपने दांत को तोड़ करके दान दे गया, सब किया है, किंतु कृष्ण का और अर्जुन का विरोध किया, इसलिए असुर कहलाए।
इस चीज को समझे। इसलिए कृष्ण का विरोध और राम का विरोध जिन लोगों ने किया वो धर्म साधारण रूप में सांसारिक धर्म करने पर भी वो धार्मिक नहीं है। कृष्ण इन ऐसे अधार्मिक लोगों को दंड देने के लिए जगत में पधारे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जन्म लेकर के क्या किया, पहला काम पूतना को मारा। पूतना जो पवित्र नहीं है, स्नान नहीं करती, भगवान का नाम नहीं करती, और जो नए नए बच्चे पैदा होते हैं 2, 4, 5, 6 दिन, 10 दिन के, उनको पकड़ करके कच्चे चबा जाती है, उनका रुधिर पान करती है, और भगवान का भी रुधिर पान करने के लिए, उनको मार डालने के लिए, खा जाने के लिए आई। धर्म की विरोधी ये पापी भगवान ने क्या किया, मैया बन करके गई और उन्होंने पान किया, ऐसे चूसा, और प्राण के समीप वो सारा 20 कालकूट सबको पार कर दिया। कालकूट उनको नहीं कर सका, किंतु ये पूतना के पाप को भी ले लिया और कैसा बना दिया, अपनी माता की गति दे दी। तो मारा कहां, माता की गति देनी, कितनी बड़ी ऊंची, गोलोक वृंदावन में सदा के लिए माता बना दिया, माता जैसी बना लिया, कैसे बड़े दयालु कृष्ण। इसलिए पहला काम उनका ये। दूसरा काम त्रिणावर्त नाम का एक राक्षस, वो सोचा जे शरीर से जाएंगे तो कृष्ण मार डालेगा, इसलिए बिना शरीर के हम जाएं, हवा बन करके जाएं, और हवा बन करके गया जो कृष्ण नहीं देख सकेंगे, और एक हवा बन करके आंधी तूफान बन करके और उनको आकाश में ले गया। कृष्ण ने सोचा जे मेरी इच्छा थी जो जरा आकाश में विचरण करूं, आज अच्छा मौका मिला, उसका गला पकड़ लिया और वो जीभ बाहर कर दिया, सांस ऊपर नीचे नहीं जा सकी, लाल लाल रसगुल्ले जैसे आंखें निकल आई, मर गया और ऊपर में से नीचे गिरा, चकनाचूर हो गया, कृष्ण ने उसकी छाती पर खेल रहे। ये क्या है, बमंडर, बमंडर आंधी तूफान जानते हैं ना, माने क्या, शास्त्रों के वचनों के द्वारा इधर से उधर लगा करके उल्टा अर्थ करके ये लगाएंगे, भगवान नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, भगवान शब्द को हम लोगों ने बनाया, मूर्खों ने बनाया, भगवान कौन है, भगवान रहता तो हम उसको देखते, ऐसे युक्तियों से भगवान को उड़ाने की चेष्टा करते हैं, ऐसे दुष्टों को कृष्ण संहार कर देते हैं। तीसरा शकटासुर, शकटासुर माने क्या, अब हवा बनकर कभी आएंगे तो पकड़ लेगा, मार डालेगा, इसलिए ऐसा करो जे गाड़ी के अंदर में हम प्रवेश करके और कृष्ण को ऐसा दबाएंगे पिचट करके मर जाएगा। अच्छा ठीक है, हमको पिचट करके मारेगा तो देखो। उन्होंने क्या किया, खेलते हुए कभी मुख में अपने पैरों को, कभी इस सब को हाथ में लेकर के खेल रहे हैं, कभी पैर का अंगूठा चूस रहे हैं, और खेलते खेलते में जबकि असुर ने उस गाड़ी को दबा करके नीचे, उनको पल्ले में झूल रहे थे गाड़ी के नीचे, और पैर थोड़ा सा ठोकर लगा और वो चकनाचूर होकर के गिर करके मर गया। ये क्या है, शकट माने होता है गाड़ी, गाड़ी पर भार ढोते हैं लोग, शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान, वेद उपनिषद शास्त्र पुराण सब जानते हैं, और कहते हैं क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है, तत्तमसि, तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं, माया हट जाएगी, हम ब्रह्म हैं, भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं, आपके देश में भी प्रचार करने के लिए आएंगे, दंडी सन्यासी लोग आएंगे, कहेंगे मैं सन्यासी हूं, मूढ़ मयो मूढ़ मुड़ाई भयो सन्यासी, ऐसे लोग आएंगे और कहेंगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। अरे ब्रह्म हो तो तब बिलबिला क्यों रहे हो, 5 लड़की हो गई शादी करने में, अब हिचकिचाते क्यों, जरा शादी कर लो, अरे मृत्यु आ गई, बुढ़ापा आ गया, तुम बच जाओ, एक ऐसे ही ब्रह्म हमारे पास में आए,
कहा कि मैं ब्रह्म हूँ ब्रह्म हूँ। मैंने कहा जैसे इनको पकड़ लो, कुंज विहार इत्यादि थे, मैंने कहा पकड़ लो और लकड़ी जलाओ और इसके मुख में लगाओ, कृष्ण तो आग खा गए, यदि आग खा जाएगा तो मान लेंगे ये ब्रह्म। आग देखते ही जाया एकदम हव हल्ला करके वहां से भागा, ब्रह्म बाद उड़ गया। तो ऐसे ही ये सकट गाड़ी है, भार ढोते हैं विद्या का, विद्या का जो सार है, कृष्ण ही जगत के ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, हमारे पूजनीय हैं, उनके शरण में जाने से हमारा सब दुख दूर जाएगा, भगवान की सेवा करो। अरे कुछ ना करो, नाम तो करो बैठ करके, बस तुम्हारा सब कुछ होगा, चलते फिरते उठते बैठते, पैसा नहीं कौड़ी नहीं खर्च होगा, किंतु शास्त्र का भार मैं बहुत जानता हूं, इसलिए ये शकटासुर है। कृष्ण क्या करते हैं, ध्वंस कर देते हैं। अघासुर का नाम सुना होगा, रास्ते में पड़ा हुआ था। अघासुर माने क्या, अघ माने पाप, ऐसा जगत में कोई पाप नहीं जो नहीं करते, मदिरापान करते हैं, दूसरों का कत्ल करते हैं, मांस खाते हैं, यहाँ तक कि गाय का भी मांस खाते हैं, बकरी का अंडे गोश्त जो कुछ मिला सब भगवान ने बनाया उनको खाने के लिए ही, केवल आकाश में चलने वाले में पतंग को नहीं खा सकते और ये एरोप्लेन को, और चौपायों में जो जो ये होते हैं ना चौपाए, चौपाए मैंने चार पैर जिसका है, वो तो सब उनके खाने के लिए कि एक चीज नहीं खा सकते, वो बिस्तरा जो होता है ना खाट पलंग उसको केवल नहीं खाएंगे, बस उनको सब कुछ बनाया गया उनको खाने के लिए ही मांस। अरे खाना ही है तो अपने बेटे का मांस तो खाओ, समझेंगे क्यों नहीं खाता, सब तुम्हारे बनाने के लिए बना है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर से आरंभ करो, ऐसा क्यों नहीं करता। इसलिए ऐसे दुष्टों का संहार कृष्ण क्या करते हैं, गले में अटक जाते हैं, श्वास भी नहीं ले सका, इधर उधर में छटपट करता हुआ, किंतु उसको ऐसे पवित्र बनाया कि दुर्गंध जो थी सारी दूर हो गई, और लड़के वर्ष एक वर्षों तक उसमें खेलते थे और उसमें से सुगंध आती थी। ऐसे भगवान कृपालु हैं, उसको मुक्ति दे दी। जो बड़े बड़े शंकराचार्य वाले जितने हैं सन्यासी लो हम ब्रह्मास्म हम ब्रह्म करते हैं, वो लोग भगवान को नहीं पाते, और ये भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर गए। बड़े बड़े योगी लोग उनका ध्यान करते हैं नहीं पाते हैं, और भगवान स्वयं उसके सखाओं के साथ में गौओं के साथ में बछड़ों के साथ में उसके हृदय में चले गए, बतलाओ तो उसको मुक्ति दे। ऐसे बकासुर, बकासुर मैंने क्या, धर्म का विरोधी, बक कपटता, बगला एक टांग पर खड़ा रहता है और तपस्या करता है, और जब ही मछली का चाल मिला, जब मछली आई निकट में छट ऐसे उठा, 10 चूहों को खा करके और बिल्ली चली हज को, ऐसे ये हज करने के लिए ये बैठे हैं, बगले हैं, धर्म का आडंबर लेकर के वैष्णवों का विरोध करते हैं, गुरु का वैष्णवों का विरोध करते हैं, इनकी सभा में मत जाना, ये कुछ प्रभाव डाल देंगे, माने ये सब लोग जान जाएगा ये क्या धर्म है अधर्म है, तो नकली गुरु को छोड़ देगा, इसलिए महाराज जी के सभा में मत जाना, वो बहुत उल्टी सीधी बोलते हैं। ये लोग क्या है, बकासुर है, साक्षात बक के ये रूप है। प्रभु जी क्या करते हैं, ऊपर का चोंच नीचे का चोंच लेकर के ऐसे चीर देते हैं, दो खंडों में उसको क्या करते हैं, चीर करके प्लास्टर बना देते हैं, प्लास्टर जानते हैं ना प्लास्टर कर देते हैं, किंतु बाहरे प्रभु क्या करते हैं, सदगति दे उसको, मुक्ति दे। ऐसे ही और कितने हैं, शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, महापवित्री, इनको अर्जुन भीम इत्यादि की जो पत्नी थी द्रौपदी, कितनी अच्छे घर की, कितनी पतिव्रता, और उसको नंगी कर रजस्वलास्था में पकड़ करके ले आया, खेचता हुआ, और जहां पर धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती, अर्जुन, पांचों पांडव, और जहां पर भीष्म पितामह हैं, उनको नंगी करके अपने इस पर बैठाएगा। अच्छा,
ऐसे दुर्योधन शकुनी कर्ण कर्ण खिलखिला करके हंस रहा था और अर्जुन के द्वारा भीम के द्वारा इनका ध्वंस करा करके धर्म की प्रतिष्ठा। यही नहीं, जरासंध ऊपर से बड़ा धर्मात्मा बनता था, अतिथियों की सेवा भी करता था, किंतु कृष्ण का विरोध किया, अर्जुन का विशेष करके विरोध किया, भीम का विरोध किया, धर्म का विरोध किया। वो कहा कि भगवान की क्या है, कर्म ही प्रधान है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हम पाएंगे, भगवान की जरूरत क्या है, भगवान तो हमने बनाया। इसलिए वो कंस का साथी था, कंस का साथ दिया अपने परिकरों के साथ में, और अर्जुन कृष्ण ने जरासंध दो उसके हिस्से थे, वो जुड़ा हुआ था, उसको भीम से उसको चिरवा करके फेंकवा दिया। कंस सबका सरदार, कंस को क्या किया, बीच अखाड़े में बैठा, चारण मुष्टिक को पहले उन्होंने मारा और इसके बाद में चारण मुष्टिक के मारने के बाद ऊपर में बैठा था, ए बजा नगाड़ा बंद कर दे, नंद और वसुदेव को सभा से निकाल दो, और ये कृष्ण ये गोप इसको यहां से निकालो, भगाओ यहां से। अच्छा, तुम्हारे पिता माता का निरादर करेगा, बस जहां थे वहीं से कूदे, और बहुत ऊंचे 21 हाथ ऊंचा उसका सिंहासन था, अभी भी हम लोगों के मठ के पास ही में मथुरा में है, और वहां से कूदे और झट पहुंचे। अच्छा, तू मेरी मैया का तो केस खींचेगा, उसे मारेगा। अच्छा तो ठीक, जिस हाथ से वो केस पकड़ा तो ठीक है, बस कृष्ण ने उसका केस पकड़ा और छीर से वहां से गिराया और झट उसके ऊपर में कूद गए, न मरना है न कुछ है, अपने आप मर गया। देखा जो जीवित है, कहने जरा हिलाया, देखा जो हम मर गया। ये कंस क्या है?